सर जानना चाहूँगा, बीते 2 साल से कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे में बच्चों के हाथ में मोबाइल्स भी रहे ऑनलाइन क्लास के दौरान, तो बच्चों में काफ़ी देखा गया कि पैनिक बहुत जल्दी हो जाना या बच्चों में जो एग्रेशन है वो बढ़ गया है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है हम लोगों के ज़माने की, अति हर चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस हो एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसका यही इफ़ेक्ट हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ, बच्चे घर में कैद हो गए, माँ बाप भी कैद हो गए घरों में। तो पहले ये समस्या रहती थी कि भाई माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते हैं, बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं। अब ये हो गया है कि वो कुछ ज़्यादा ही टाइम बीत रहा है एक दूसरे के साथ, तो उसमें माँ बाप को कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, काम कर रहे हैं, वर्क स्टेशन घर पर बन गए, तो पता लगा वो बच्चों पे निकाल दिया। इधर बच्चों के हाथ में ये कि उन्हें या अपने से पीछा छुआने के लिए अपना फ़ोन निकाल के पकड़ा दिया बच्चों के हाथ में, या पढ़ाई के लिए जैसे आपने उठाया कि आजकल पढ़ाई जो है क्लासेज ऑनलाइन हुई हैं, तो हर घर में कंप्यूटर लैपटॉप था पर फ्री नहीं था, और सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि पता लगा था उनके पास 3 बच्चे हैं तो 3 लैपटॉप खरीद के दे दें अलग अलग, पढ़ाई तो सभी की चल रही है, घर में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो काफ़ी लोगों ने फ़ोन दे दिए, क्योंकि फ़ोन से भी सब काम हो जाता है, आजकल के जो मॉडर्न फ़ोन हैं उनसे इंटरनेट खोला जा सकता है, क्लासेज अटेंड की जा सकती हैं। पर बच्चों के हाथ मोबाइल फ़ोन होने से ये हुआ है कि कुछ मतलब ऐसे ऐप हैं या ऐसी चीज़ें खुल गई गेमिंग साइट्स जो कि बहुत मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, एडिक्टिंग ही है, एक एडिक्टिंग है और दूसरा गलत रास्ते पे भी जा सकता है बच्चों। ज़्यादातर जो मेरी निगाह में बच्चों के गेम्स आए या इस तरह की साइट्स आई तो मैंने देखा उनमें एक वॉयलेंस का एप्टीट्यूड बढ़ता है कि भाई मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं गलते मार रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे अपने ज़माने में, हम लोग भी कॉमिक्स पढ़ते थे आमतौर पर, लड़कों को विशेष रूप से ये अच्छा लगता था वॉयलेंस वाले वॉर मूवी देखना या वॉर से रिलेटेड कॉमिक्स पढ़ना, हंसी मजाक के भी होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए हंसी मजाक नहीं होते। तेनालीराम मैं सुनता हूँ अभी भी आता है, मोटू पतलू के वो भी आजकल उनके कॉमिक शो बन गए हैं वो भी आते हैं, पर सबसे ख़राब जो है वो एकदम पोर्नोग्राफिक और वायलेंट वीडियोज और ये सब चीज़ें खुल जाना, इसकी वजह से बच्चे इससे। और दूसरा वही कि बहुत ज़्यादा एक ही कमरे में या एक ही जो घर में अपना मम्मी माँ भी वहीं पापा भी वहीं बच्चे भी वहीं, तो उससे कहीं घरों में स्ट्रेस का माहौल बना है। तो उससे बचने के लिए क्या आपके सुझाव होंगे कि बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकाला जाए? पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को क्या, उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि भाई बच्चों को ज़रूरत है, पढ़ाई का टाइम है तो चलो मोबाइल ज़रूर देंगे, तो एक तो मोबाइल पर सुपरविज़न रखें कितने टाइम के लिए दे रहे हैं मोबाइल या ओवरऑल इंटरनेट पर, लैपटॉप से हो या मोबाइल से हो, तो उसका टाइम रेस्ट्रिक्टेड हो, एंटरटेनमेंट का भी दे, पढ़ाई का भी टाइम दे, एंटरटेनमेंट का भी दे, और प्रेफरेबली अगर ये सुपरवाइज्ड हो कि उसी कमरे में माँ बैठी है या फादर बैठे हैं, तो बच्चों की इतनी वो नहीं हो पाएगी कुछ गलत साइट खोले या कुछ करें। जैसे माँ बाप भी हैं अगर बच्चा बगल में बैठा है तो पता लगा पिता का माने कुछ पोर्नोग्राफिक देखने का, तो बच्चा आसपास है तो पत्नी आसपास है तो वो नहीं खोलेगा, तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। वो अकेले में ना दे कि बच्चे अपना कमरा ले जाके बैठे हैं देख रहे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए दें, और बाकी ये कि ये भी चीज़ देखें आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा रखें। अगर हम जाने में अनजाने में बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं, जैसे माता पिता लड़ाई कर रहे हैं या लड़ाई में पता लगा एब्यूजिव हो गए, गाली वाली देनी शुरू कर दी, फादर ने गाली देनी शुरू कर दी या हाथ उठाना शुरू कर दिया बच्चों पे या मदर पे, तो आप जाने अनजाने में बच्चों को एक मैसेज दे रहे हैं कि वॉयलेंस इज ऑल राइट, कि अगर आप अपसेट हैं आप परेशान हैं तो आप एब्यूज़ कर सकते हो, वॉयलेंस मेंटल भी होती है फिज़िकल भी होती है, तो आप मेंटल वॉयलेंस जैसे गाली देना ये करना या ख़राब बातें कहना या फिज़िकल वॉयलेंस, मेंटल वॉयलेंस आदमी औरत दोनों करते हैं, ऐसा नहीं कि वॉयलेंस में बचा हुआ है, स्त्रियां मेंटल वॉयलेंस में ज़्यादा आगे हैं पुरुषों से, पुरुष फिजिकल वॉयलेंस में ज़्यादा आगे हैं, तो इन चीज़ों से बचें, घर में माहौल ठीक बना के रखें, और भाई कभी लड़ना ही है कोई लड़ने की बात हो ऐसी थोड़ा सा अलग जगह लड़ें, बच्चों को ये मैसेज नहीं मिलना चाहिए कि दिस इज़ ऑल राइट, एब्यूज ऑल राइट हैं या फिजिकल वॉयलेंस ऑल राइट है।